हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। दुनिया भर में हर रोज सड़क हादसे की खबर आती रहती है। इन हादसों के कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग नियमों की परवाह किए बिना सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और हादसों को दावत देते हैं। कई बार देखा गया है कि भयानक सड़क दुर्घटना में भी लोगों की जान बच जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मामूली सड़क हादसों में भी लोगों की जान चली जाती है, लेकिन लोग नियमों को ताक पर रखकर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं। ऐसी ही एक खबर चाइना से आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और हवा में उड़कर टू पेड़ों से जा टकराए। कार की रफ्तार की इतनी तेज थी कि हाईवे से उड़ते हुए जंगल में जा घुसी और दो पेड़ों के बीच फंस गई। चीन के हिलोंगजियांग प्रांत के सिहुआ शहर में यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी। एक्सप्रेसवे बंद होने के कारण तेज रफ्तार कार ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण यह हादसा हुआ।